श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की, धर्म स्नेही बंधुओं, दस लक्षण पर्व का इन नौवा दिन उत्तम आकिंचन का है। आकिंचन, किंचित मात्र भी कुछ नहीं बचा। यहां पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, आत्मा के पास कुछ नहीं बचा। जिसने दस लक्षण धर्म का पालन जीवन के आचरण में प्रारंभ कर दिया है, तो यहां पहुंचते पहुंचते उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। कल त्याग धर्म की पूजा की विधान है, उत्तम त्याग धर्म का जो विधान है उसकी जब पूजा की, उसमें दान की चर्चा तो कहीं आई नहीं। जो अर्घावली होती ना, पहले अष्टक होते हैं, फिर अर्घ होते हैं, फिर जयमाला होती है, तो जो अर्घ थे उसमें दान का तो एक भी अर्घ नहीं था। सारे के सारे अर्घ जो थे, तन ममत्व त्याग, पुत्र ममत्व त्याग, पत्नी ममत्व त्याग, घर ममत्व त्याग, धन ममत्व त्याग, मित्र ममत्व त्याग, पितृ ममत्व त्याग, मातृ ममत्व त्याग, सर्व ममत्व त्याग, ये था उत्तम त्याग धर्म। हम त्याग मात्र दान को थोड़ा सा डाल दिया, आइए आज तो ना त्याग का दिन है, थोड़ा सा त्याग कर दिया। लेकिन त्याग धर्म है बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, और कहाँ पहुंचाएगा इसकी कल्पना बहुत बहुत ऊंची है। और उन सब में सबसे पहले तन ममत्व त्याग बताया था। पहला अर्घ कौन सा अर्घ था? पहला अर्घ किसका था? तन ममत्व त्याग। हम संसार में सबसे ज्यादा मोह किससे करते हैं? आप हालांकि मोह करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे साधन हैं, मकान से कर लेते हैं, बच्चों से कर लेते हैं, पति से कर लेते हैं, पत्नी से कर लेते हैं, माता से कर लेते हैं, मित्रों से कर लेते हैं, साधन बहुत सारे हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मुख्य साधन मोह का यदि कोई है, तो वो है अपना शरीर। पशुओं के पास धन नहीं है, मकान नहीं है, व्यापार नहीं है, परिवार, बच्चे जन्म लेने के बाद साथ रहे ना रहे कोई जरूरी नहीं है, थोड़े दिन मोह रहता है, उसके बाद सब अपने अपने में लीन हो जाते हैं। तो परिवार का भी इतना मोह नहीं है, तो फिर भी वहाँ कौन सा मोह है? तन ममत्व। कौन सा मोह है? तन ममत्व। नरक में भी कुछ नहीं है, वहाँ भी मार काट दिन भर मची रहती है। वहाँ मोह करने के लिए ना धन है, ना मकान है, ना परिवार है, वहाँ भी कुछ नहीं है, तो वहाँ भी कौन सा? तन ममत्व। स्वर्ग में गए तो वहाँ भी कौन सा? तन ममत्व। वहाँ धन संपत्ति तो मिल गई, भोग विलासता के साधन तो मिल गए, लेकिन तन ममत्व सबसे पहले है। अब एक गाय को एक डंडा मारो मत, केवल डंडा लेके वहां जाओ, गाय भागना शुरू कर रही है, क्यों? तन ममत्व, इस शरीर को चोट ना लग जाए। एक चींटी भी यहां से यहां उसको उंगली से करो तो वो भी भागना दूसरी तरफ शुरू कर देती है, क्यों? तन ममत्व। दिन भर खाने के पीछे घूमते हैं, क्यों? तन ममत्व। एक नदी के किनारे एक पेड़ था,
उस पर एक बंदर बैठा था और उसकी छोटी सी बंदरिया उसके पास थी। बारिश का मौसम था, पानी बढ़ने लगा, पहाड़ों से पानी गिरकर आया, नदी में पानी बढ़ने लगा। अब पानी इतना बढ़ा कि वो पेड़ की डाल तक आ गया। तो बंदर अपनी बंदरिया को लेकर के ऊपर वाली टहनी में चला गया। थोड़ी देर में पानी वहां तक भी पहुंच गया, तो वो बंदर अपनी बंदरिया को लेकर ऊपर उसके ऊपर वाली टहनी में चला गया। पानी वहां तक भी पहुंच गया, तो वो बंदर बंदरिया को टहनी पर रखता है और उसके ऊपर खुद बैठ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले अपने शरीर की रक्षा हो जाए, बंदरिया बाद में है। एक स्थान तक जहां तक अपना शरीर बच रहा था वहां तक उसका भी बचा लिया, लेकिन जहां अपने शरीर का खतरा हो गया वहां बंदरिया को पहले समर्पित कर दिया कि तू नीचे बैठ। उसके ऊपर बैठ गया कि पानी अब यहां शायद ना आए। तो अपने शरीर को बचाने के लिए ना जाने कितनी जान लेते हैं, अपने शरीर को बचाने के लिए ना जाने कितनी हिंसा करते हैं। तो तन ममत्व त्याग, अब शरीर है, शरीर के लिए टेंशन करते हो नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, हैं? अब इधर से शुरू करो, इधर से पैर तक में कहाँ कहाँ की टेंशन होती है। अब मान लो बाल सफ़ेद होने लगे, टेंशन हो गई, आई बाल सफ़ेद होने लगे, अब कलर लेके आओ, अब नहीं चलेगा बिना कलर के काम, हैं? बाल चलो सफ़ेद नहीं हो रहे, झड़ रहे हैं, टेंशन होगी नहीं होगी? अरे गंजा हो गया बिल्कुल, अरे चांद निकल गई इसकी, तो 24 घंटे ध्यान कहाँ रहेगा? बालों में रहेगा। अब उसके बाद में शक्ल पे आओ, शक्ल में कितनी जगह की टेंशन करते हो? यदि चेहरे पर एक फुंसी भी निकल आए ना, तो बार बार हाथ वहाँ जाता है, फुंसी हो गई, बार बार आईना देखते हो, बड़ी हो रही है, अरे ये तो पक रही है, अरे एक दूसरी भी और हो गई है, अरे इस साइड भी हो गई है, सारे दिन दिमाग में वो फुंसी घूमती रहती है, हैं? मान लो आंखें जरा सी कमजोर हो जाए तो आंखों की टेंशन। यदि चेहरा, किसी को सुंदरता कम मिली है चेहरे की, तो उसको अपनी सुंदरता की टेंशन। अब ब्यूटी पार्लर जाना, शादी आ रही है, अरे सब अच्छे लगेंगे, हम ऐसे ही लगें क्या? उससे ये वाला करवाएंगे इस बार, तो भले लग जाएं 10,000 तो लग जाएं, इस बार तो शक्ल बढ़िया बनवा के आऊंगी मैं। टेंशन है कि नहीं दिमाग में? नाक की टेंशन, कान की टेंशन, कान में पहनने की टेंशन, नाक में पहनने की टेंशन, दांत यदि गिरने लगे, बताइए, जिनके गिरते हैं ना उन्हें पता होगा, जिनके अभी सही सलामत है ना उन्हें पता नहीं है कि दांत क्या चीज होती है। जिनके एक सामने वाला गिर जाए ना, सामने वाला, उसके बाद तो उन्हें 24 घंटे दांत ही दांत नजर आता है, उसे लगता है कितना बुरा लग रहा है, एक दांत गिर गया। जाके जब तक वो नकली लगवा नहीं लेगा, जब तक वो नकली वाला उस दांत के अंदर फिट नहीं हो जाएगा, सेट नहीं हो जाएगा, तब तक 24 घंटे दांत ही दांत घूमेगा दिमाग में, हैं? जरा सी शरीर के और किसी अंग में दिक्कत आ जाए, हाथ में कोई कालापन आ जाए, चेहरे पे कोई काला निशान आ जाए, हैं, आंखों के आसपास में कोई डार्क सर्कल हो जाए, कुछ भी हो जाए, शरीर में इतना सा हो तो जाए, आत्मा इतनी चिंता करती है, इतनी चिंता करती है कि अपनी चिंता छोड़कर केवल तन की चिंता करती है। इसलिए उत्तम त्याग धर्म में सबसे पहले तन ममत्व का अर्घ चढ़ाया है कि अपने शरीर से मोह छोड़ो। जो अपने शरीर से मोह नहीं छोड़ सकता है वो ध्यान कर ही नहीं सकता है। उत्तम ध्यान तो बाद में होगा, सामान्य ध्यान के लिए भी इस शरीर से मोह छोड़ने की जरूरत होती है। यदि शरीर जरा सा मोटा हो जाए, शरीर मोटा हो जाए, टेंशन होती नहीं होती?
अरे अब तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अब आलू नहीं खाएंगे हम। क्या हुआ? वो थोड़े मोटे हो रहे ना, आजकल तला भी छोड़ दिया है मैंने। भाई क्यों? वो मोटे हो रहे ना। हाँ आजकल हम रोटी भी कम खा रहे, दो ही रोटी खा रहे, एक रोटी खा रहे। क्यों भाई? वो जरा मोटे हो रहे ना, जरा स्लिम होना है। हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, एक एक रोटी बेचारी सुबह से शाम तक खाने में इतना सोचना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है कि मोटे ना हो जाए। क्यों भाई? तन ममत्व। कौन सा ममत्व? तन ममत्व। जिम में जाकर के खूब पसीना बहाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, वहाँ मशीन पे चढ़ के दौड़ते हैं। उनसे कहेंगे कि जरा साधु के साथ विहार करवा दो 5-10 किलोमीटर। नहीं नहीं, हमसे नहीं चला जाता है। और अभी जिम में जाके क्या घंटों दौड़ सकते हैं। अभी घर में कोई कहेगा जरा एक बाल्टी यहाँ की उठा के यहाँ रख दो, और जिम में जाके बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें उठा लेते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। किसके लिए? शरीर के लिए। हैं, एक दिन एक बहन जी आई, बोले आजकल घुटने में बहुत दर्द है। तो वहीं दूसरी बहन जी बैठी थी, बोले घूमने जाया करो, ठीक हो जाएगा। बोले मैं तो रोज़ जाती थी, उसके बाद भी दर्द हो गया तो मैंने जाना बंद कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले जाती थी, फिर दर्द हुआ, इसलिए बंद किया कि जब होना ही है दर्द तो जाऊं क्यों। हालांकि ये नहीं कह रही मैं, शरीर की जो मेहनत है, जितनी उसकी कसरत है, जितना व्यायाम है, उसे उसके अनुसार उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है। केवल स्वस्थ बनाए रखने के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, और जिसका मन स्वस्थ होता है उसका जीवन स्वस्थ होता है। मैं मना नहीं कर रही कि मत करो, लेकिन मैं यहाँ उत्तम आकिंचन की व्याख्या कर रही हूँ। उत्तम आकिंचन की व्याख्या कहाँ, कैसे और होती है वो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तन ममत्व का त्याग कराया गया है कि शरीर से मोह छोड़ो। चलो आप स्वास्थ्य संबंधी छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन सजने संवरने संबंधी तो हो ही सकता है। हम कह रहे बहुत पूरा मत छोड़ो, समाज में रहने लायक करना पड़ेगा, उतना छूट करके बाकी तो छोड़ सकते हैं। मैंने एक बार और कहा था कि 60 साल के बाद में रंगीन कपड़े कम कर देने चाहिए, लाइट कपड़े पहनो। अब जिंदगी में लाइट हो गए, अब विचारों को भी लाइट करो, कपड़ों को भी लाइट करो, और अपना मन धर्म की तरफ लगा दो। लेकिन घर में यदि बहू की साड़ी आई है और उसकी साड़ी कलरफुल आई है, तो सास की साड़ी बिना कलरफुल कैसे हो सकती है? उसको भी वैसे ही चाहिए, सेम उतने ही पैसे की, उतने ही रुपए की। उससे क्वालिटी में यदि एक मात्र भी कमजोर हो जाए तो घर में कलेश हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, एक सामान्य बात कर रही हूं कि जीवन में धर्म लाने के लिए शुरुआत कहां से करनी पड़ती है। ये उत्तम त्याग धर्म में बताया है कि तन ममत्व त्याग, तन की ममता छोड़ो, तन का मोह छोड़ो। अभी बाजार जाते हैं, कैसी आंखें घूमती, ये वाली चूड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये कंगन बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे इस साड़ी का बॉर्डर तो बहुत अच्छा है, अरे इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, अरे ये बिंदी बहुत बढ़िया है, अरे ये कान के तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतनी आंखें नाचती हैं कि ऐसा लगता क्या क्या खरीद लूं और क्या क्या पहन लूं। और जरूरी नहीं है कि तन ममत्व का त्याग केवल बुढ़ापे में ही करना चाहिए, तन ममत्व के त्याग का अभ्यास कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी भी उम्र से शुरू हो सकता है। और जहां से शुरू होगा वहीं से धर्म शुरू हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था कि आपने एक आलू का त्याग किया है मान लो, तो आलू का त्याग नहीं किया है, उससे संबंधित जितना राग और द्वेष था उसका त्याग किया है। आलू का त्याग करवाने का मतलब आलू का त्याग नहीं करवाना है, आलू त्याग करवाने का मतलब राग और द्वेष त्याग करना है। तो जितनी जितनी वस्तु से छूटता जाएगा उतना उतना मोह त्याग होता जाएगा।
ऐसे ही तन ममत्व त्याग के लिए कहा है। तो यदि सबसे घना मोह है, सबसे ज्यादा मोह है यदि किसी से है, तो वो अपने शरीर से है। अपने शरीर से इतना भयंकर वाला है कि चारों गति में घुमाए रखा है। और कहते हैं कि जिस चीज से ज्यादा मोह करोगे उसी में कीड़ा बनोगे। ये उदाहरण आपने पहले भी देखा है कि वो जो सेठ जी थे और सामायिक कर रहे थे और उनको प्यास लगी, और जब प्यास लगी वो दीपक जला के बैठे थे, जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करूँगा। पत्नी ने सोचा अरे दीपक बुझने वाला, फिर घी डाल दिया, फिर बुझने वाला, फिर घी डाल दिया, सामायिक नहीं छोड़ी। और प्यास इतनी लगी कि भाव सामायिक तो छूट गई, द्रव्य सामायिक नहीं छोड़ी। और मर करके जब वो पानी के भावों से मरे तो मरकर कहाँ बने, क्या बने? पानी में मेढक बने। पानी के भावों से मरे तो मरकर क्या बने? पानी में मेढक बने। एक व्यक्ति मंदिर में बैठ के सामायिक कर रहा था और किसी ने तरबूज चढ़ा दिया लाके। उसे तरबूज बड़ा पसंद था। अब उसका ध्यान, वही बात है ना, इंद्रिय विषय कहाँ कहाँ भटका देते हैं पता नहीं चलता है। इसीलिए तन्ममत्व का त्याग करवाया, इसीलिए संयम में इंद्रिय संयम के लिए कहा है। अब वो तरबूज चढ़ा है और उसका मन भटक गया और उसका उसी समय इत्तफाक से मरण भी हो गया। मर करके उसी तरबूज में कीड़ा बना। बात समझ में आई कि नहीं? जिस चीज से मोह करोगे उसी चीज के जीव बनोगे। तो इस शरीर से यदि हम ज्यादा मोह करेंगे तो मर करके इसी शरीर में कीड़ा बनेंगे। यानी कि मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये तो आपको पता है कि शरीर में अंतर मुहूर्त के बाद जीवोत्पत्ति शुरू हो जाती है। इसको रखा नहीं जाता है, भाई जल्दी ले चलो, ज़्यादा मत रखना। क्यों? इसमें जीव बहुत पैदा होने लगते हैं। जैसे ही शरीर का मालिक जो आत्मा है वो इस शरीर से निकलता है, अनंत जीव इस शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। तो यदि मान लो इस शरीर के मोह में मरेंगे तो क्या बनेंगे? अरे बोलिए ना, शरीर के कीड़े बनेंगे। अच्छा, यदि मकान से ज्यादा मोह करेंगे तो छिपकली बनेंगे, चिपके रहेंगे दीवार में। और यदि नोटों से ज्यादा मोह किया तो नोट के कीड़ा, नोट में भी बहुत कीड़ा होते, दिन भर लोग थूक लगा लगा के करते ना, बहुत बैक्टीरिया होते हैं उसमें। और बैक्टीरिया क्या है? जीव ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि तन ममत्व त्याग। जब तन से ही मोह नहीं रहेगा फिर किस चीज से मोह करोगे? लोग कहते नहीं नहीं हमें तो अपने शरीर से कोई मोह नहीं है। ये तो तब पता चलता है जब कोई घटना सामने आती है। मैंने आपको बताया था, एक 90 साल की अम्मा जी थी और जब वो यहाँ आ रही थी तो रास्ते में उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। 90 साल की अम्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रही कि भगवान मुझे उठा ले। और वो अम्मा जी जब यहाँ आई तो उनका एक्सीडेंट हुआ, इतनी घबराई हुई थी, अरे आज तो चले ही जाते, बड़ी मुश्किल से बच के आई आज तो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। वैसे तो प्रार्थना कर रही भगवान 90 साल के हो गए अब तो उठा ले, और एक्सीडेंट सामने आ गया तो अरे बड़ी मुश्किल से बच के आए। ना तो ये मर पाता है और ना ये जी पाता है। जब दुख सहन नहीं होते तो मरने की इच्छा करता है, और जब मौत आती है सामने तो जीने की इच्छा करता है। ना अच्छे से जी पाता है और ना अच्छे से मर पाता है। तो करना क्या है? अकिंचन धर्म की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तन ममत्व त्याग करना है। और ये एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो एक दिन में आप सारा वैराग भर के आ जाए, धीरे 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 करके आप बाजार गए, और बाजार में जाने के बाद में आप किसी ज्वेलरी की दुकान में गए या किसी ऐसी दुकान में गए जहां आपके पसंद के आभूषण मिलते हैं, नकली हों असली हों कोई से भी हों, और वहां जाके अरे क्या करना, रहने दो घर में बहुत पड़े, नहीं लेना। शुरुआत हुई, क्या हुई? अरे किसी ने कहा अरे वो साड़ी बहुत अच्छी लग रही, नहीं नहीं
मुझे तो नहीं चाहिए, घर में बहुत पड़ी है, नहीं चाहिए मुझे साड़ी, थोड़ी सी शुरुआत हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? घर में इतनी पड़ी है फिर भी इतनी खरीदारी, इतनी, एक बार बाजार चली जाएं, आजकल की महिलाएं बाजार चली बस जाएं, पति के जेब में जितने नोट होंगे जब तक खाली नहीं हो जाएगा तब तक खर्चा करवाती रहेंगी, या अपने पर्स में जितने नोट होंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। और कहती क्या, मुझे ना शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है, इतना घर में आभूषण का, श्रृंगार का, हजारों चूड़ियां पड़ी हैं, पचासों साड़ियां पड़ी हैं, उसके बाद भी बाजार में जाते हैं तो लालसा, इच्छा इतनी है कि ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। इसलिए सबसे पहले तन ममत्व त्याग के लिए श्रृंगार ममत्व का त्याग करो। जब श्रृंगार ममत्व का कम होने लगेगा धीरे धीरे, तो फिर और तरह से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे, लेकिन जब तक श्रृंगार का ही त्याग नहीं होगा तो तन ममत्व कैसे छूटेगा। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं वो इस शरीर से भिन्न है। अब आपने चूड़ी पहनी, इस शरीर में है कि शरीर के बाहर है? बाहर है ना। हार है, कान के हैं, साड़ियां हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तो सबसे पहले श्रृंगार से इसको कम करो। बाजार पहली बात तो जाओ मत, घर में बहुत पड़ा है, किसको दिखाना, क्या करना, नहीं चाहिए मुझे, ऐसी भावनाएं मन में आनी चाहिए। जब ऐसी भावनाएं आने लगेंगी तो धीरे धीरे अपने आप ही मन उस तरफ से हटने लगेगा, और जब हटेगा तो मन कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, फिर वो मन धर्म में लगने लगेगा। तो उत्तम आकिंचन धर्म कहता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन चारों गति में जाकर के इस शरीर के कारण से, इस शरीर मोह के कारण से भ्रमण करते हैं। तन से मोह करोगे तन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तन से मोह करोगे तन मिलेगा, और चेतन से करोगे तो चेतन की प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी। तन से किया है तो इस जन्म में भी शरीर, फिर अगले जन्म में भी शरीर। अब जो तन से मोह छोड़ देता है वो ही उत्तम ध्यान को उपलब्ध हो सकता है, और जो तन से मोह नहीं छोड़ सकता वो उत्तम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो इसीलिए त्याग में भी क्या बताया, अरे रात्रि भोजन त्याग करो, अनशन करो। जो शुरू के 6 तप हैं, बाह्य वाले तप, वो शरीर के लिए हैं, अनशन, उपवास, उनोदर, भूख से कम खाना है, रस परित्याग, घी छोड़ो, नमक छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो है, उसके बाद में व्रत परिसंख्यान विधि पूर्वक जाकर के लेना, रस परित्याग, विविक्त सयासन, अनेक तरह के आसन लगाओ, थोड़ा कष्ट हो रहा है बैठे रहो, कोई बात नहीं है, सहन करो। और काय क्लेश, काय क्लेश नाम का तप केवल इसलिए रखा गया है कि शरीर की परीक्षा ली जाए, फिर तुम्हारी आत्मा की परीक्षा हो जाएगी। काय क्लेश, काय को कष्ट देना, काया को कष्ट देना, धूप में खड़े हो गए ध्यान के लिए, गर्मी के दिन में, जून के महीने में पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए, सर्दियों में नदी के किनारे खड़े हो गए, बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े हो गए, एक बूंद टपक रही है, और जब एक बूंद शरीर पर टपकती है तो यूं हो जाते हैं, एक बार तो कभी महसूस किया हो आपने तो है, पूरा लोटा डालना अलग है और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक बूंद टपक जाए तो काय क्लेश, शरीर को कष्ट हो रहा है मगर मन में समता है कि नहीं है, मन शांत है कि नहीं है, मन प्रसन्न है कि नहीं है, इस बात की परीक्षा के लिए काय क्लेश नाम का तप होता है। ये 6 तप शरीर से मोह छोड़ने के लिए होते हैं। जब ये 6 तप, संयम, तप, त्याग, संयम का पालन करवाया, फिर तपस्या करवाई, और फिर तन ममत्व का ही त्याग करवा दिया, अब आ जाओ अकिंचन में, अब कुछ नहीं बचा, फिर कैसा ध्यान होगा? सुकौशल स्वामी को देखा है आपने? नहीं देखा तो नहीं है। अच्छा, तो शास्त्रों में तो पढ़ा होगा, जब वो ध्यान लगाकर खड़े थे
तो क्या हुआ था, उनकी माँ जो बाघनी बन गई थी पैरों से खाना शुरू कर दिया था और वो ध्यान में लीन है। क्यों? तन ममत्व त्याग। पहले तन ममत्व का त्याग कर दिया, अब शरीर जब मेरा है ही नहीं तो खा जा। सुकुमाल को जो स्यालनी है जुग बच्चा युत बच्चों के सहित पैर से खाना शुरू कर दिया, वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में खड़े हैं और शेरनी स्यालनी ने परिवार सहित पैर से खाना शुरू कर दिया, उन्हें ध्यान नहीं छोड़ा। तन ममत्व त्याग, ये ध्यान कैसे उपलब्ध हुआ, इतना ध्यान कैसे लगा? तन ममत्व त्याग के कारण से। भगवान पार्श्वनाथ पर पत्थर वर्षे, ओले सोले पत्थर पानी बरसा कर की थी मनमानी, कैसे ध्यान में लीन थे। अरे पत्थर गिरा भी होगा तो उन्हें शायद हो सकता पता ना चला हो, और यदि पता भी चला होगा तो तन ममत्व त्याग, मेरा है मगर मेरा नहीं है। तीन तरह के लोग होते हैं, कौरव जैसे, पांडव जैसे और संत जैसे। एक कहते जो तेरा है सो तेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। दूसरे होते जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। और तीसरे वे होते हैं ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। कौरव कैसे थे? जो मेरा है सो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। पांडव कैसे थे? जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। और संत कैसे होते? ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। यही है ना, ते मालकियत। घर में रहो, घर में रहने में बुराई नहीं है, मगर जहां मालकियत का भाव आ जाता है ना, वहां पर परिग्रह का के कारण से फिर और कर्मों का बंध होता है, वहां अकिंचन धर्म नहीं हो सकता है। एक फैक्ट्री में आग लग गई, ये उदाहरण मैं हर साल बताती, इस साल भी बता दूं, फैक्ट्री में आग लग गई तो जो पिताजी थे बड़े चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, उनके पांच छह बेटे थे। एक बेटा आया, अरे पिताजी क्यों रो रहे हो, फैक्ट्री तो बेच दी। बोले तुझे दिखता नहीं आग लग गई है? बोले फैक्ट्री तो बेच दी, अब तो अपनी नहीं है। पिताजी चुप हो गए। फिर उसके बाद में दौड़ता दौड़ता दूसरा बेटा आया, अरे तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, हैं फैक्ट्री में आग लग गई, अरे फोन करो पानी डलवाओ कुछ तो करो। बोले फैक्ट्री तो बेच दी। बोले बात ही तो हुई है, लिखा पढ़ी कहाँ हुई है। पिताजी फिर से रोने लगे। किसने रुलाया? मेरा है तो रो रहे थे, बेच दिया तो चुप हो गए, फिर मेरा है। अभी फैक्ट्री में आग वही है, फैक्ट्री वही है, एक में रो रहे और एक में चुप हो गए, किसने रुलाया? मेरा पन्ने। किसने रुलाया? मेरा पन्ने। आग तो जैसी लगी है लगी है, सामान तो जैसा जल रहा है जल रहा है, लेकिन जहां मेरा आया रोना, जहां मेरा नहीं आया वहां चुप, जहां फिर मेरा आया फिर शुरू। तो रुलाने वाला कौन है? वस्तु तो वही है, अंदर में जो मेरापन बैठा है उसको हटाना है। तो उत्तम अकिंचन धर्म है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। सुई देखिए ना, सबसे छोटी सुई कितनी बड़ी होती है? इतनी सी, ठीक है। अब उसकी नोक कितनी बड़ी होगी उसको मैं उंगली में नहीं बता सकती, इतनी बड़ी होगी, है ना। उस सुई के नोक के बराबर भी वस्तु मेरी नहीं है, सुई के नोक के बराबर वस्तु भी मेरी नहीं है। ना कुछ लाए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे, अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, शरीर लेकर आए थे और अगला शरीर लेने के लिए चले जाएंगे। तो किसका त्याग करना? सबसे पहले तन ममत्व का त्याग। जब तन ममत्व का कम हो जाएगा फिर अन्य चीज से तो अपने आप कम होने लगेगा। अरे जब अपने शरीर से मोह नहीं तो तुमसे काय को करे, जब तुमसे मोह नहीं तो धन से क्यों करें, और धन से मोह नहीं तो मकान से क्यों करें। ठीक है, रहो खाओ उपयोग करो, हर वस्तु का उपयोग करो। उपयोग करने की मनाही नहीं है, उपयोग करने को मिली है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो अकिंचन धर्म की प्राप्ति के लिए केवल अभी जिस अवस्था में आप हैं, केवल मालकियत को कम करना है। कर सकते हो।
कौन कौन कर सकता है मालकियत कम? लेकिन मालकियत आने के बाद गुस्सा भी बहुत आता है। आप लोग हंस तो रहे हो मगर अभी लगता मेरी बात समझ में नहीं आई है। अच्छा समझ में आ गई है, अच्छा फिर क्या कारण बन रहा कि आप नहीं छोड़ पा रहे? समझ में आ गई का मतलब समझते हो? समझ में आ गई का मतलब समझते हो? मेरा कमरा, मेरा मकान, मेरा बेड, मेरी घड़ी, मेरा ये, मेरा वो, लड़ना शुरू कर दोगे अभी? ये तन एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, ये किराए का है। चलिए, बाग में सिंचन का, मोह कम करने में कंचन का, और धर्मों में अकिंचन का, मन को मोड़ने का, कर्मों को तोड़ने का, और मालकियत को छोड़ने का। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनिश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय आर्य रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें। और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है। और ये आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांश ने, और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थाई मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, कई साधु संत, आर्य कामाता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि इसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की, त्यागी व्रतियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राज ग्रही में जन्म लियो आप, राज ग्रही में जन्म लियो आप, आओ आओ खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आर्य का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रत नाथ भगवान की चरण छाव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाई आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन अभिषेक पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रत नाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107, 8824620107।